हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जिसका नाम है स्पोर्ट्स हब। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फिर से बात करेंगे आईएसएल ट्रांसफर मार्केट के बारे में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे ट्रांसफर न्यूज़ है, साथ ही में आईएसएल रिलेटेड कुछ न्यूज़ है, तो वीडियो एंड तक देखना। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर देख सकते हो तो अभी मेरे चैनल 93 सब्सक्राइबर्स है और मैं काफ़ी ज़्यादा क्लोज हूँ 100 सब्सक्राइबर्स के। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो मेरा टारगेट है 100 सब्सक्राइबर्स का वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो, और मुझे ये टारगेट इसी मंथ में कंप्लीट करना है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारे पहली न्यूज़ से। तो हमारे पहली न्यूज़ आ रही है फ्रॉम बेंगलुरु एफसी, एंड बेंगलुरु एफसी गॉट सम सीरियस बिजनेस दिस सीजन गाइस, क्योंकि बेंगलुरु एफसी ने एक और कमाल की साइनिंग कंप्लीट कर ली है आज। तो दोस्तों, बेंगलुरु एफसी ने साइनिंग कंप्लीट कर ली है रॉय कृष्णा की। वी ऑल नो रॉय कृष्णा आईएसएल लेजेंड एंड आईएसएल के बेस्ट स्ट्राइकर है रॉय कृष्णा, और इंडिया के जितने भी टॉप टायर सोर्सेस है उन्होंने कन्फर्म कर दिया है। तो अब दोस्तों, रॉय कृष्णा को साइन करने के लिए बहुत सारे आईएसएल क्लब्स थे, उसमें भी अगर देखें तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड रेस में थी रॉय कृष्णा को साइन करने में। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे प्रॉब्लम आता है प्रोजेक्ट का। अगर हम देखें तो रॉय कृष्णा बहुत सालों से आईएसएल में खेल रहे हैं और उन्हें मालूम है कि कौन सा क्लब जो उनको एक बेटर प्रोजेक्ट जो ऑफर कर सकता है। और बेंगलुरु एफसी और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड में देखें तो आपको ऐसी बात है, बेंगलुरु एफसी काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट जो है ऑफर कर सकता है रॉय कृष्णा को, और इसी की वजह से रॉय कृष्णा ने जो है बेंगलुरु एफसी को जो है चूज़ किया है उनका क्लब। अब दोस्तों, इस साइनिंग के साथ हमें आईएसएल का एक बेस्ट डेडली डुओ देखने को मिल सकता है, वो है सुनील छेत्री सर और रॉयल कृष्णा इन वन टीम। हम सबको मालूम है दोनों भी आईएसएल लेजेंड और आईएसएल के दोनों भी बेस्ट स्ट्राइकर्स है, और दोनों को एक ही टीम में खेलते हुए देखना हम सारों का सपना था, लेकिन वो कम्प्लीट नहीं हो पा रहा था क्योंकि दोनों के क्लब अलग थे। लेकिन फाइनली रॉय कृष्णा जो है बेंगलुरु एफसी को ज्वाइन कर चुके हैं, तो अब देखते हैं कि इन दोनों को कैसे यूज़ करते हैं। अगर इन दोनों को कॉम्बिनेशन बन जाता है तो नो डाउट ये आईएसएल का बेस्ट डेडली डुओ बन जाएगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी सेकंड न्यूज़ की तरफ। तो हमारी सेकंड न्यूज़ आ रही है केरला ब्लास्टर्स से। तो दोस्तों, केरला ब्लास्टर्स ने जैक्सन सिंह, आयुष अधिकारी और बिजय को जो है रिजर्व स्क्वाड में ऐड कर दिया है, और उसी के साथ वो नेक्स्ट जनरेशन कप खेलेंगे, और इसकी रिपोर्ट जो है खेलना उन्हें जो है कन्फर्म कर दी है। तो दोस्तों, एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ और काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव केरला ब्लास्टर्स की तरफ से, क्योंकि अगर देखें तो नेक्स्ट जनरेशन कप जो यूके में होने वाले हैं और हम जो है प्रीमियर लीग के रिजर्व टीम के साथ खेलने वाले हैं, तो यहाँ पे जो केरला ब्लास्टर की जो स्क्वाड है उसमें सारे यंग बंदे यंग प्लेयर्स हैं जिनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो ऐसे में एक एक्सपीरियंस प्लेयर होने की ज़रूरत है केरला ब्लास्टर्स के रिजर्व स्क्वाड में जो टीम को गाइड करे। और जैक्सन सिंह, आयुष अधिकारी और बिजय जो है वो तीनों भी आईएसएल खेल चुके हैं, और जैक्सन सिंह तो हम सबको मालूम है टीम इंडिया को भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं। दोस्तों, इसमें फ़ायदा है कि केरला ब्लास्ट की जो हमारे आईएसएल के बंदे वो कितना इंप्रूव कर दिए, और जैक्सन सिंह के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि वो इंडिया के लिए भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं, तो अगर वो वहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस देते तो काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि वो फ्यूचर है इंडियन फुटबॉल। अब दोस्तों, आते हैं हमारे थर्ड न्यूज़ की तरफ। तो हमारे थर्ड न्यूज़ आ रही है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की तरफ से। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी भी ट्रांसफर मार्केट में एक्शन में आ चुके हैं, और दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने जो है अरिंदम भट्टाचार्य की साइनिंग कंप्लीट कर दिया। अरिंदम भट्टाचार्य इंडिया के बेस्ट गोलकीपर में से एक है और वर्ल्ड की तरह है वो, और उनकी एडिशन नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में और जो है टीम को स्ट्रांग बनाती है। साथ ही में दोस्तों, एक और फॉरेन साइनिंग जिगी गॉर्डन की भी साइनिंग बहुत जल्द नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड कंप्लीट करने वाली है। बेसिकली बात जो है फाइनल स्टेजेज में चल रही है। जिगी गॉर्डन जो कि 29 ईयर ओल्ड सेंटर बैक पोजीशन के प्लेयर है और वो स्कॉटलैंड के फर्स्ट डिवीजन में खेल रहे, और डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड को, क्योंकि पिछले सीजन नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड का डिफेंस काफ़ी ज़्यादा वीक था और जो फॉरेन साइनिंग्स भी थे उतने अच्छे नहीं थे, तो जिसकी वजह से एक अच्छा सेंटर बैक नॉर्थ ईस्ट को ज़रूरत है। तो बस सर, आज के वीडियो में इतना ही। कल के दिन के सारे अपडेट्स मैंने आप सभी को दे दिए। वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 100 सब्सक्राइबर्स के मैं बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ, तो वो टारगेट कंप्लीट करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में बताएं आपका फेवरेट ट्रांसफर कौन सा रहा, और मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में। तब तक टेक केयर, टाटा बाय बाय।